भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से राजकुमार चाहर जननायक नेता बोले जाते हैं, फतेहपुर सीकरी लोकसभा से आपको टिकट दिया है। आपको बता दें कि काफ़ी किसानों के लिए आपने संघर्ष किया है, पहले से काफ़ी भारतीय जनता पार्टी से अच्छे संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। आज फतेहपुर सीकरी जनता के बीच में हैं हम, उनके उनको कितनी खुशी है राजकुमार को जिस तरीके से टिकट मिला है। कहाँ से हैं, कौन से गांव से आप? मैं गांव लोअर करेरा से हूँ और किसान नेता हूँ। क्या कहना चाहें? जी जी, बीजेपी और चार साहब से जुड़ा रहा हूँ। क्या तो, कहना चाहेंगे, कितना शीर्ष नेतृत्व को किस तरीके से बताइए साहब? हमारे पास बयान नहीं है, जो शीर्ष नेतृत्व ने हमें ऐसा उम्मीदवार दिया जिसकी सब जगह के दिल में जगह है। पहले से जरूरत थी ऐसे नेता? पहले से ही जरूरत थी साहब, वो तो पहले ही गलती हो गई नेतृत्व से। अच्छा। अब तो इतना सही डिसीजन लिया है कि जनता के मन में समा गए ये जनता की, क्योंकि जातिगत आंकड़े हैं सारे लोग नहीं साहब, हर कौम से, हर बिरादरी से, हर आदमी यही कह रहा था कि चाहर जनप्रिय माने जाते हैं, जनप्रिय नेता और कर्मठ नेता। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि युवा नेता, इतने युवा नेता बोलने वाले कि इनके बराबर बोलने वाला नेता आगरा में नहीं है। हमने तो बचपन से इनके साथ गांव की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं और किस तरीके से उनका निस्तारण कराने के लिए ये दिन रात एक कर देते। अरे साहब, जरा सी आवाज आ जाए कि हाँ हमारे कार्यकर्ता को या किसी को भी ये चोट है, तुरंत पहुंचते थे और न कुछ होते हुए भी, चाहे काम हो या न हो, अपनी जान लड़ा देते थे कार्यकर्ता के लिए। कहाँ से है, कौन से गाँव से? जी जी, कहाँ से है, किस गाँव से आप? मैं पूर्व प्रधान बिलावटी इंद्र सिंह। क्या कहना चाहोगे, आज आपके नेता राजकुमार चाहर को शीर्ष नेतृत्व भाजपा ने टिकट दिया है, कितनी बड़ी खुशी है? बहुत बड़ा बढ़िया काम किया है शीर्ष नेतृत्व ने, और जो है राजकुमार चाहर सबका, सभी जातियों का वो है, प्यारे हैं। क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी है? किसानों का नेता है, किसानों का हितैषी है, युवा प्रत्याशी अब की बार जो कहा है क्षेत्र को मिला है। अब यहाँ से आगे क्या उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीद यही है कि अधिक से अधिक काम करना चाहिए, क्यों वो प्रत्याशी करेंगे। एक नेता नहीं थे, विधायक नहीं थे या सांसद नहीं थे, तब तक कोई समस्याएं आती थी? तब भी किसानों के बीच में रहते थे, किसानों की समस्याओं के लिए। अब और अच्छा कर पाएंगे? और अच्छा करेंगे। वो तो उम्मीद है, किस तरह की उम्मीद है? बहुत बढ़िया उम्मीद है। वकील तो कितने वोटों से जीत रहे हैं? भारी मतों से जीत रहे हैं? 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अब के 5 लाख मतों से जीत दे दी है फतेहपुर सीकरी की जनता ने। जी जी जी, नाम जानना चाहूंगा, आप नाम बताइए। डॉक्टर बी के नरवाल। कहाँ से, कौन से गांव? बिलावटी गांव से। बिलावटी से आप भी, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, शीर्ष नेतृत्व को हम बधाई देना चाहते हैं कि एक कर्मष्ट युवा जुझारू जो राजकुमार चाहर जी को टिकट दिया है, ये भारी मतों से विजयी बनेंगे, कर्मष्ट हैं और हर समय जनता के लिए तत्पर रहते हैं। कहाँ, किस गाँव से? असेला सिंह साहब। असेला, हाँ। कहाँ पर पड़ता है असेला? पड़ता है इसी में, पड़ता है सीकरी में, असेला में लोग पड़ता है, राजस्थान बॉर्डर लगता है। हाँ, बॉर्डर का काम। अच्छा, कितनी खुशी है अपने आज इस नेता को? तो अपार खुशी है, हम इन लोगों के साथ पहले से लड़े, चुनाव जब तक साथ जुड़े और साथ जुड़ते रहेंगे, क्यों जनता के हित के लिए उन्होंने समर्थकों द्वारा हमारे लोग काम किए, जनता के कर्मश नेताएं। किसानों के लिए क्या कुछ किया है और क्या समस्याएं होती थी किसानों की? किसानों की जो भी समस्या आती थी या ब्लॉक में, तुरंत जाते थे, तुरंत उनको पूरा कराते थे, इसीलिए उनका आना बहुत जरूरी था और जनता की मांग थी कि राजकुमार आना बहुत जरूरी है, राजकुमार आना जरूरी है। बिजली, पानी, ट्यूबवेल, ये सारी समस्या, जो कोई समस्या बिजली की हो, ट्यूबवेल की हो, किसी भी हो, उन्होंने साथ दिया जनता। विधायक नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, लेकिन किसान नेता थे तो तुरंत काम होते थे। फिर भी तुरंत हमारी बिजली का काम हुआ, तुरंत MD का काम हुआ। क्या काम हुआ? बिजली का काम था, हम पे कंप्लेंट की थी, हम लोग गए थे, हमारे साथ प्रधान जी थे, गरिमा के और लोग थे, MD जाकर हमारा पूरा काम किया उन लोगों ने, कुछ पद न होते हुए भी, तो इसीलिए। और कौन कौन लोग हैं जहाँ जिनके काम राजकुमार चाहर साहब ने कराए हैं? कौन हमारे कराए साहब? क्या काम कराया? बिजली का काम हमारा कराया सर। अच्छा। नहर का, सिंचाई का कोई काम पड़ता था, एक फोन पे काम करवाते थे। खाद बीज की कोई दिक्कत आती थी, हम तुरंत फोन करते थे, भाई साहब ये दिक्कत है हमारे किसानों की, ये निपटवाओ, तो तत्पर तुरंत निपटवाते थे। और कौन लोग हैं, और कौन लिखा? जी जी, क्या नाम? सुखबीर सिंह प्रधान, गड़ीमा। विकास खंड अछनीराम पड़ता है, राजस्थान बॉर्डर के समीप गांव है। अच्छा। माननीय राजकुमार चाहर जी किसानों के दिलों की धड़कन है, इनसे बढ़िया नेता अगर मैं ये कहूँ
कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर कोई किसानों का नेता है, किसानों का मसीहा है, तो वो राजकुमार चाहर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पार्टी नेतृत्व ने कोई गलती नहीं की अपना? पार्टी नेतृत्व के लिए कोट कोट बधाई है, उनके लिए इतना बड़ा धन्यवाद है कि एक जमीन से जुड़े हुए नेता को, सामान्य नेता को, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के जो जनता के ऊपर उपकार किया है, उसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। क्या पहले से इस नेता को लेके आना चाहिए था? कुछ गलतियां भारतीय जनता पार्टी से हुई? ये नेता आज से 20 साल पहले अगर हमारे नेतृत्व कर रहे होते तो हमारे क्षेत्र की दिशा और दशाई कुछ और होती। इतना बोलने वाले, इतने सक्षम, इतने जागरूक और समझने वाले, व्यक्तियों की समस्याओं को समझने वाले, ऐसा नेतृत्व मिल नहीं सकता, अद्वितीय नेतृत्व। त्यौहार मानते हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठते हैं, उठते हैं, जब आपकी मुलाकात होती है तो किस तरीके का व्यवहार रहता है? मैं चौधरी योगेंद्र सिंह पार्षद हूँ अछेरा से। अछेरा से? हाँ जी। हमको तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे सांसद चुनाव हम लड़ रहे हैं स्वयं। हम तो इनके बिल्कुल ऐसे मानते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। मुझे तो जब मैं टिकट सुना था ना कि टिकट मिला छाड़ साहब को, मुझे वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि मैं चुनाव में खुल रहा हूँ। टीवी पे डिक्लेयर हुआ था, उस दौरान के आपके क्षण खुशी के क्या थे, क्या पल थे वो? इतनी खुशी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत खुशी थी मुझे, और मुझे क्या खुशी, पूरी विधान बेड पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे? मैं कुर्सी बैठा था, मैं खड़ा हुआ था कुर्सी पे देखकर कि भाई मुझे, भाई मैं ऐसे महसूस हुआ था कि मैं जो है चुनाव खुद लड़ रहा हूँ, और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जो है हमारी जो जनता है ना, सभी में बहुत जो उत्साह है, और बाहरी जो है बहुमत से बहुत विजयी होकर आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो है जितनी भी सीटें भारत के अंदर, सबसे बड़ी जीत हमारे फतेहपुर सीकरी लोकसभा की होगी, और किसी की होगी नहीं, इतनी बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। और किन किन लोगों के काम राजकुमार चाहर साहब के? जी जी, देखिए, युवा हैं, छोटे दुकानदार हैं, गरीब, मजदूर, किसानों के नेता तो है ही, ये तो आपको पता है। जनता का एक छोटा बच्चा होगा 10 साल का, एक बुजुर्ग भी हो, सबका सम्मान, सबके साथ खड़े रहना, दुख में सुख में सब में शामिल होना, तो ऐसा ही नेता पब्लिक को चाहिए। और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा ये फतेहपुर सीकरी पे किया है, और पब्लिक इसका कर्जा चुकाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं, किस गांव से? मैं अछनेरा से, पास में गांव है छेपुखर। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहूँगा ये पहला नेता है ऐसा, बाकी नेताओं को दुनिया जानती है, ये पहला नेता है डायरेक्ट जनता को, मतलब प्रति गांव के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसे डायरेक्ट ये नेता नहीं जानता होगा, बाई फेस नाम से सीधा टच में जनता के में। बाकी तो पब्लिक नेता जो है घुमाते रहते हैं। अच्छा, ये अच्छा, आपका रिएक्शन भी जानना चाहूँगा, क्या स्थिति थी जब राजकुमार का नाम आपने सुना कि राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी आ गए, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, और कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे? मैं उस समय खड़ा हुआ था, मेरे फोन पे मेरे भाई का ही फोन आया। अच्छा। उसने कहा भैया कहाँ हो? मैंने कहा मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे ऐसे एक दुकान पे। तो उसने कहा कि बोल भैया को टिकट मिल गई। मैंने कहा क्या, किस में देखा है? उसने कहा मैंने टीवी पे देखा है। अच्छा। तो मैं फिर वही नाचने लग गया, मैं वही नाचने लग गया, फिर की भाई मेरा भैया जीतेगा। क्या बात है, क्या बात है, आप बताइए, आप नहीं कुछ आपको भी बताना, प्रधान जी भी बताएंगे, नहीं मूंछों पे ताप दे दीजिए अब तो कम से कम राजकुमार जी। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम बगास हैं साहब। बगास जी। तो मतलब अब क्या स्थिति बनेगी ये बताइए, पहले राजकुमार चाहर के लिए कितना प्रेम है, और पहले से कितना जानते हैं? पहले से भी प्रेम था हमारे जो दिल में था वो तो, और अब भी है, और हमारे आंकड़े से भाई साहब की जीत कम से कम 2 लाख वोटों से होगी। 2 लाख वोटों से? कम से कम 2 लाख वोटों से जिता रहे हैं आप। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्यपाल सिंह प्रधान बगास सोनगा से हूं, और ये खुशी है, और क्षेत्र के लिए क्या जिले के लिए भी खुशी है कि पार्टी ने जो ऐसा नेता दिया है, और जनता पूरी तरह सहयोग में और वोटों से पूर्ण बहुमत से जिता के भेजेगी। पूर्ण बहुमत से? कोई जातिगत फैक्टर तो सामने नहीं आने वाला? सामने नहीं है, हमने अपने गांव में मालूम किया है कि सभी जातियों के नेता, सातों बिरादरी का वोट मिलने वाला है, का वोट मिलेगा और पूरी तरह मिलेगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली से लाकर प्रत्याशी बिठा दिया, यहाँ राजबब्बर भी आने की सोच रहे हैं, तो कुछ गणित बिगाड़े? उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो बहुजन समाजवादी के भी वोट हैं वो भी हमारे भाई के लिए
समर्पित है। गैस सिलेंडर बांटे मोदी ने, गैस सिलेंडर एक एक को दिया है, तीन तीन लाख रुपए दिए हैं, जिन्हें कभी 50,000 से ज्यादा नहीं मिलते थे, 3-3 लाख उनके खाते में डलवाए, वो भी फ्री मकानों के लिए, प्रत्येक को गैस सिलेंडर मोदी सरकार ने दिया है। इतना अगर किसी के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, इतना मोदी सरकार ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। सबने ठगा है दलितों को, उसके बावजूद भी अगर दलित वोट नहीं देते हैं तो ये दुर्भाग्य होगा उनका। अब फिर हम कह रहे हैं राज बब्बर जी की बात है, पहले चार साहब की ही बदौलत वो वहां तक पहुंचे। दिल्ली चार जी को क्या, अब राज बब्बर जी को क्या करना चाहिए? अब उनको तो सिलेंडर हो जाना चाहिए, उनको भाई साहब का साथ देना चाहिए, इनका प्रचार करना चाहिए। एक बार आपको लोकसभा भिजवा दिया, अब सिलेंडर हो जाना चाहिए। क्यों, हमने ही भिजवाया, भाई साहब नहीं भिजवाया। अगर वो सिलेंडर नहीं होते तो जाट वोट की स्थिति, रुकिए, जाट वोट की स्थिति क्या, इन्हीं के साथ रहेगा, चार साहब के साथ पूरा जाट वोट, और वो गर्व से कहता है कि हम चार साहब को वोट देंगे। चार साहब के अलावा एक चीज और देखी जा रही है, क्योंकि चौधरी बाबूलाल जी का टिकट काट दिया, शायद वो मथुरा से कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो नौवारी और चारों में कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई अंतर नहीं आने वाला है। जवाब मैं दूंगा आपको, विधायकी के चुनाव में आपने देखा है सांसद जी को और हमारे राजकुमार भाई साहब को कितना अंतर रहा वोटों में, निर्दलीय और पार्टी के होते हुए, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वैसे सांसद जी कुछ नहीं है, सांसद वो मोदी लहर हमारी उठा लेगी, मोदी जी को हमने वोट दिया था, वो मोदी लहर लेगी उठा के, नहीं तो अब तो राजनीतिक उनकी बिल्कुल खत्म है, नहीं है कुछ। कुमार जी ने बिना पद के, बिना पद होते हुए कितनी लाठियां खाई है किसानों के साथ में, जेल राजकुमार जी ने काटी है, कोई पता था नहीं उन पर। आप कहाँ से है? गाँव खड़वाई से। किसान है? किसान। कितना खेत है आपके पास में? डेढ़ बीघा। मतलब छोटे और बड़े किसानों के एक तरह से मसीहा कहूँ तो छोटे बड़े किसान, लेबर क्लास के आदमी, यानी राजकुमार जी से जितनी छोटा तबका जुड़ा हुआ है, जैसे आप कह रहे थे राजबर जी को आने से कितना फर्क पड़ेगा, जितनी पब्लिक जो है बसपा वाली इनको सपोर्ट करेगी उतना राजबर जी को नहीं करेगी। अच्छा, बसपा की पब्लिक भी इनको सपोर्ट करेगी? ये बसपा में रहे, जन जन से जुड़े हुए रहे, इन्होंने उनके पीछे लाठियां खाई हैं, उनके साथ काम किया है, किसी को बिजली की समस्या है, किसी को पानी की समस्या है। आपकी क्या समस्या दूर कराई? मेरी कोई समस्या तो दूर नहीं कराई, लेकिन मेरा इनसे मन जुड़ा रहा है, जो गरीब आदमी की सुनता है। आपके साथी लोगों की कोई समस्या दूर हुई? हाँ, हमारे गांव से कुछ लोगों का समस्या दूर हुई, वैसे भी हम पेपर पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, यानी गरीब लोगों की सुनने वाले ये बिना पद के और संघर्ष, मतलब कंधा से कंधा मिला के पिटने और पीटने वाले, सब कर्मों में ये सबसे पहले दौड़ते हैं। अच्छे के लिए बड़े नेता के पास जाओ, फोन कर दूंगा, सर ये आदमी आ रहा आप देख लेना, अब ये आदमी आ रहा आप देख लेना, तो वो खुद ही देख लेगा, ये साथ पॉकेट भर के दे देगा तो उसका काम हो ही जाएगा, और नहीं भर के देगा तो देख लेना क्या काम कराएंगे। लेकिन फिर क्या उस अधिकारी के ऑफिस में खुद जाते थे अगर काम नहीं होता तो? ये अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ तक जाते थे, जब छोटे अब वो चीज़ इनके काम आने वाली है, इनका व्यक्तित्व, इनकी भाषा, गरीब लोगों का, इनकी काम करने की स्टाइल, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो नहीं जानता है, सबसे पहले काम करता है इनका, इसी पे जनता जुड़ी हुई है इनके साथ। इनका व्यक्तित्व इतना जबरदस्त है, इनके बोलने की जो तरीके है वो ऐसे हैं कि अधिकारी खुद खड़ा हो जाता है काम करने के लिए, हर धर्म का, हर जाति का। आप देख रहे हैं ये फतेहपुर सीकरी की जनता है, आज राजकुमार चाहर को लेकर काफी खुश है, उत्साहित है, और साफ कहना है कि राजकुमार चाहर को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता जिस तरीके से अपने चहेते राजकुमार को चाहती है, आखिर कितना प्यार वोट करके देती है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, में करतार सिंह बघेल, आर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग,
इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा, प्रवेश प्रारंभ। आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्प ग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।